नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान उठने की खबर है। बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान बुधवार यानी 23 अक्टूबर को आएगा। इसे लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी से उठ रहे चक्रवाती तूफान दाना, जो ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में जबरदस्त अत्यंत भारी बारिश करा सकता है। मौसम विभाग की ओर से ताजा बुलेटिन में बताया गया है कि अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक ये सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद इसके 22 अक्टूबर की सुबह तक डिप्रेशन 23 अक्टूबर तक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो इसके बाद ये चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और दोस्तों 24 अक्टूबर की सुबह तक ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से दूर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके प्रभाव से ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 23 से 25 अक्टूबर तक अत्यंत भयानक बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि सभी मछुआरे समुद्र से वापस लौट आएं। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र का कहना है कि यह सिस्टम एक भीषण चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर सकता है। इसके चलते ओडिशा के कुछ हिस्सों में 23 अक्टूबर से बादल फटने जैसी बारिश हो सकती है। महापात्र ने कहा कि तटीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 24-25 अक्टूबर को 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। वहीं भारी बारिश की तीव्रता 20 से 30 सेंटीमीटर, कुछ स्थानों पर 40 सेंटीमीटर भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने लैंडफॉल के स्थान पर उसकी तीव्रता को लेकर कोई भी भविष्यवाणी नहीं की है। इस दौरान लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और उसके बाद ये हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती हैं। बता दें कि इस चक्रवाती तूफान का नाम है दाना, जो अब अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। दिवाली के मौके पर कई राज्यों में आंधी तूफान, जबरदस्त अत्यंत भयानक बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस समय भी मौसम बेहद खराब हो गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहीं दोस्तों गंगे पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र के अंदर खतरनाक बारिश हो रही है और आज रात राजधानी दिल्ली के अंदर कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश हो सकती है और तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन अब आ चुका है दाना चक्रवाती तूफान, जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है। लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। आप सभी से विनती है कि आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकलें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। वर्तमान में आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कमेंट में जरूर लिखें।